एवरीवन, जुड़ गए हम दोबारा। आज हम बात करेंगे कॉपीराइट्स की। मैं हूं नकुल अरोरा। तो कॉपीराइट्स की बात करने के लिए आज हम जुड़े हैं एक साथ। कॉपीराइट है क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का 1/3, यानी कि ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। सेकंड वर्ड जो मैंने बोला वो था कॉपीराइट्स। कॉपीराइट से प्रोटेक्शन मिलता है। किसको प्रोटेक्शन मिलता है? किसी ऑथर को, किसी पब्लिशर को, किसी म्यूजिशियन को या किसी आर्टिस्ट को। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है सर। आप जब कोई भी काम को कई सालों में डेवलप करते हैं, एक म्यूजिशियन अपनी आधी ज़िंदगी लगा के एक धुन निकालता है, कोई भी राइटर पूरी ज़िंदगी लगाकर एक पीस ऑफ राइटिंग वर्क निकालता है, या कोई भी इंसान किसी पर्टिकुलर बुक को लिखता है या किसी लॉ को लिखता है या किसी भी तरह की नॉलेज को पब्लिश करता है या उसको प्रेजेंट करता है, आपका जो वर्क है ना सर, इसमें लग जाते हैं कई से कई साल। एक दो दिन का काम नहीं है, पूरी पूरी ज़िंदगी लग जाती है। और आप वो लोग हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि आप हर उस स्टेप पर पैसा ना कमा कर आप इन्वेस्ट करते हैं एक नई चीज़ को डेवलप करने में, किसी धुन को, किसी आर्टिस्टिक वर्क को, किसी थिएटर प्ले को या किसी ड्रामा को, या फिर जैसे मूवीज़ भी होती हैं वो भी डेवलप करने में काफ़ी लंबा पीरियड जाता है, कोई भी स्क्रिप्ट होती है। अब उसको प्रोटेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई साल आपने अपनी ज़िंदगी के अपने कार्य क्षेत्र में लगा दिए हैं उस पर्टिकुलर वर्क को डेवलप करने में। उस वर्क को डेवलप कर कैसे इंश्योर करें कि वो आपके नाम पे आए, उसके ड्यू क्रेडिट्स आपको ही मिले, कोई और उसका लाभ ना उठा जाए। कहीं किसी ने आपकी धुन सुनी और किसी ने धुन बना दी, ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। उस परेशानी से बचने के लिए आपके पास एक तरीका है कि आप उसका कॉपीराइट अपने नाम में रजिस्टर करें। क्यों करें हम कॉपीराइट रजिस्टर? वैसे बहुत सिंपल जवाब मैंने आपको दे दिया है कि उसको उसके ड्यू बेनिफिट्स आप ही को मिले। बट आप जानना चाहेंगे कि उसके ड्यू बेनिफिट्स आखिर हैं क्या। वेल, सबसे पहला, सिर्फ आप ही होंगे वो, यू आर द सोल पर्सन हु कैन ओन और डिस्ट्रीब्यूट द वर्क दैट इज कॉपीराइट इन योर नेम। जो भी काम आपके नाम में कॉपीराइट है, आप एक सोल ओनर रहेंगे, उस वर्क को ओन भी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। अब कॉपीराइट के ओनर आप हैं तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप उस कॉपीराइट को सेल भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं एक राइटर हूँ, मैंने एक किताब लिखी, उस किताब को लिखकर मैंने कर दिया उस कॉपीराइट को सेल। सेल किसको किया? पब्लिशिंग हाउस को। अब या तो वो पब्लिशिंग हाउस मुझे रॉयल्टी पे करेगा या मुझे एक लंपसम अमाउंट पे कर देगा। तो फ़ायदा क्या हुआ? मेरे कई सालों की मेहनत, जिससे मैंने वो कॉपीराइट डेवलप किया था ना, उसका ड्यू बेनिफिट्स फाइनेंशियल टर्म्स में भी मुझे मिल गया है। अब फाइनेंशियल टर्म्स की तो हमने बात कर दी, लेकिन बात करते हैं क्रेडिट्स की। जब कॉपीराइट आपके नाम में रजिस्टर्ड है ना, तो सारी दुनिया को पता होगा कि इस वर्क की डेवलपमेंट जो है, इसका कॉपीराइट इस पर्सन के नाम में है। तो ये है वो पर्सन जिसने इस कॉपीराइट को डेवलप किया है। खास तौर पे जिसने उसको डेवलप किया है, उसको हम बोल के चलते हैं ऑथर ऑफ द वर्क, जिसने उस वर्क को ऑथर किया है, दैट इज ऑथर्ड बाय दैट पर्सन। तो बेनिफिट ये है कि जो भी काम आपने किया है वो आप ही के नाम में रहेगा। और नाम, व्हाट्स इन अ नेम, कहा विलियम शेक्सपियर ने, बट मैं आपको बता दूं, नाम की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि किसी इंसान ने किसी ज़माने में एक फ्यूल क्रिएट किया था और उस इंसान का सरनेम था डीजल। आज उसका नाम हर गली गली में, हर पेट्रोल पंप पे आप जाके पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं। तो नाम की ड्यू इंपॉर्टेंस जो है वो आपको चाहिए भी और आपको मिलती भी है, जस्ट बिकॉज कॉपीराइट आपके नाम में रजिस्टर्ड है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं है कि आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इंडियन मिनिस्ट्री पे जाकर रजिस्टर किया तो वो कॉपीराइट सिर्फ इंडिया में आपका रहेगा। नहीं, वो कॉपीराइट सारी दुनिया में आपके नाम पे रहेगा, वो कॉपीराइट आप ही का रहेगा। इन ऑल कंट्रीज द वैलिडिटी ऑफ अ कॉपीराइट इज इन ऑल कंट्रीज, कंडीशन इज लीगल ऑन प्रोटेक्शन ऑन पब्लिक नोटिस दैट द राइट्स हैव बीन क्लेम्ड। वेल, सबसे बड़ी बात आपको शायद मैं बता दूं कि आप किसी को सू कर सकते हैं, यानी कि किसी ने आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंज किया, आपने उसे सू कर दिया, यानी कि आपने उसके ऊपर केस डाल दिया। आप उस पर केस डालकर उसको आपका कॉपीराइट यूज़ करने से रोक नहीं सकते हैं, वो यूज़ कर चुका है ऑलरेडी। आप कर क्या सकते हैं? आप अपने डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, जो डैमेज आपको हुआ ना, जो नुकसान आपको हुआ है, आप उसको क्लेम कीजिए सामने वाली पार्टी से। सबसे बड़ी बात, ये कॉपीराइट का सबसे बड़ा एडवांटेज है, अगर आप प्रूफ भी ना कर पाए, यानी कि ओनर्स ऑफ प्रूफ, अगर आपसे ये साबित भी ना हुआ कि आपको लॉस हुआ कितना है या आपको एक्चुअल में लॉस हुआ है, डैमेजेस सामने वाली पार्टी को आपको फिर भी पे करने पड़ेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको कहीं प्रूव नहीं करना है जाके कि आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंज हुआ है तो आपको उससे एक्चुअल में नुकसान हुआ है। अरे भाई, हमारा काम है, हमने करा, उसको किसी ने यूज़ करा तो नुकसान तो हमें हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि आपको कहीं प्रूव नहीं करना कि आपका लॉस एक्चुअल में हुआ है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन वही आईपी इंडिया ऑनलाइन, आप जाके ऑनलाइन उसको रजिस्टर कर सकते हैं। आपका सबसे बड़ा सवाल होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वही है कि आप एक फॉर्म भरिए, उसके साथ एप्लीकेशन फ़ीस जमा कराइए। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स चाहिए
एक कॉपीराइट को रजिस्टर करने के लिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है नाम, पता और उसकी नागरिकता, यानी कि नेम, एड्रेस एंड नेशनैलिटी ऑफ द पर्सन हु इज अप्लाइंग, एप्लीकेंट और द पर्सन हु इज द ऑथर ऑफ द वर्क। ये दो अलग अलग लोग हो सकते हैं। अगर कॉपीराइट मान लीजिए मैंने डेवलप किया लेकिन उसको अप्लाई कर रही है मेरी कंपनी, उसे अप्लाई कर रहा है कोई और इंसान, तो आप दोनों के नाम अलग अलग दे सकते हैं, उनका नेम, एड्रेस और नेशनैलिटी ऑफ एप्लीकेंट एंड ऑफ द ऑथर ऑफ द वर्क। साथ साथ आपको एप्लीकेंट, यानी कि मैं जैसे एक एप्लीकेंट हूँ तो मेरा इंटरेस्ट क्या है उस चीज़ में, क्या मैं ओनर हूँ या मैं लाइसेंसी हूँ, क्या एक्चुअल में मैंने डेवलप किया है, मैं ओन करता हूँ उस कॉपीराइट वर्क को, या मेरे पास लाइसेंस है उस वर्क को रजिस्टर कराने का और उस वर्क को यूज़ करने का। जनरली ये कॉन्सेप्ट होता है जैसे कि आप म्यूज़िक डेवलप करते हैं तो ये आपके प्रोडक्शन हाउस के पास आपके राइट्स होते हैं, और अगर आप बुक लिखते हैं तो पब्लिशिंग हाउस के पास आपके लाइसेंस टू यूज़ द वर्क होते हैं। अब बात करते हैं टाइटल ऑफ द वर्क की। वर्क का एक टाइटल देंगे आप, ऑफ कोर्स आप किताब लिखेंगे या आप धुन बनाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं एक टाइटल दे के चलेंगे, थिएटर ड्रामा है तो। अच्छा, ऑथर को एक डिक्लेरेशन देनी होती है, यानी कि यहाँ पे हम एक सिंपल बात करके चलेंगे कि मान लीजिए ऑथर अलग है, एप्लीकेंट अलग है, मैंने आपको बता दिया ये दो अलग अलग लोग हो सकते हैं। इन केस ये दो लोग अलग हैं तो एक डिक्लेरेशन दी जाएगी ऑथर की तरफ से कि हाँ ये कॉपीराइट अप्लाई हो रहा है और ये पर्सन मेरा कॉपीराइट अपने नाम में अप्लाई कर रहे हैं। उस डिक्लेरेशन के साथ मैंने आपको अभी बताया कि या तो वो वर्क ऑफ लिटरेचर होगा, वर्क ऑफ आर्ट होगा, थिएटर ड्रामा स्किट हो सकती है, तो इम्पॉर्टेंट है कि उसकी लैंग्वेज भी आप कहीं ना कहीं मेंशन करें। तो या वो इंग्लिश में हो सकता है, हिंदी में हो सकता है, बांग्ला में हो सकता है, पंजाबी में हो सकता है, जिस भी लैंग्वेज में वो आपने कॉपीराइट डेवलप किया है या वो वर्क है आपको वो लैंग्वेज बता के चलनी है। दैट इज़ एन अदर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। अच्छा, दूसरी चीज़, आपका वो वर्क पब्लिश्ड है या अनपब्लिश्ड है, क्या वो कहीं पे आपने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है या अभी वो पहली बार, जैसे कि ट्रेडमार्क्स में हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, इज़ दिस ट्रेडमार्क ऑलरेडी यूज्ड या प्रपोज टू यूज़। मान लीजिए वो किताब ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, मान लीजिए वो धुन ऑलरेडी बजाई जा चुकी है, कहीं रिकॉर्ड की जा चुकी है, तो हम उसे कहेंगे पब्लिश्ड। अगर वो कहीं यूज़ नहीं हुई है और आप सीक्रेटली सबसे पहले उसका कॉपीराइट करा रहे हैं ना, तो आप उसे बोलेंगे अनपब्लिश्ड। लेकिन अगर पब्लिश हो गई है तो आप ध्यान दीजिए कि पब्लिश हुई है तो पब्लिश का ईयर, कंट्री और पहले पब्लिश होने की जगह का नेम, एड्रेस और नेशनैलिटी ऑफ द पब्लिशर। यानी कि जैसे कि मैंने एक किताब लिखी, मैं गया अपने किसी आसपास में एक्स वाई जेड पब्लिशर के पास, तो वो इंडिया में था, कौन सी उसका नाम क्या था और वो पब्लिशर का एड्रेस क्या था, ये मुझे लिख के देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, क्योंकि पहला पब्लिशर मेरे वर्क का था कौन और वो कहाँ पब्लिश हुआ था, ये मुझे डिपार्टमेंट को बता के चलना होगा। उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि जो भी फर्म अप्लाई कर रही है उसको एक पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ेगी कि आपको पावर है, आप हमारे नाम में एक कॉपीराइट क्लेम कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, 6 हार्ड कॉपीज आपको जमा करनी होती है जो भी वर्क आप कॉपीराइट कराने जाते हैं उसकी। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है, अगर आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम, जी हाँ कंप्यूटर प्रोग्राम और आपका आईटी का वर्क है वो भी कॉपीराइट होता है, उस केस में 3 कॉपीज आपकी हार्ड ड्राइव या सीडी रोम्स में आपको डिपार्टमेंट को जमा करानी होती हैं। तो ये रही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, ऐसे होगा आपका कॉपीराइट रजिस्टर, क्यों कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमेशा बताता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई भी वर्क हो, आप चाहें तो उसे खुद इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर आप ऑथर हैं, पब्लिशर हैं, आप अपने ऑथर पे, आप अपने वर्क पे ध्यान दीजिए, एक प्रोफेशनल को हायर कीजिए, वो आपके कॉपीराइट को रजिस्टर करने में आपकी बहुत ही प्रोफेशनली मदद करेगा और इंश्योर करेगा कि आपका जो सारा वर्क है, जितना भी वर्क है आपका प्रोटेक्टेड रहे, आपके नाम में रजिस्टर्ड रहे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मेहनत आपकी है ना उसके ड्यू क्रेडिट्स आपको हमेशा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।